Hello my friends, namaste, hope you are doing good, welcome to my channel. And today I'm back with a new video. I will react to India versus China. Actually I'm so excited to check this video and see what's the difference between China and India. And it's been a long time that I didn't do any new reaction video because of my schedule, busy schedule, and now I'm trying to do my best to do more new reaction videos. So let's be ready. 3, 2, 1, let's go. 1949 में चीन एक कम्युनिस्ट देश बना और उसी साल भारत में भी संविधान को लागू किया गया। उस समय लगभग 200 साल के अंग्रेजों के शोषण के बावजूद भारत एशिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और चीन भी अपनी इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए हर वो सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म कर रहा था जिससे वो अपने देश के हालात को ठीक कर सके। और इसकी शुरुआत हुई 1978 में, जब चीन ने अपने देश की इकोनॉमी को दुनिया के लिए ओपन किया। वहीं भारत में भी 1991 में LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के रूप में रिफॉर्म्स को लाया गया, जिसके चलते देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोला गया, जिस वजह से भारत की सर्विस इंडस्ट्री में बूम स्टार्ट हुआ। वहीं लेट 90s में ही चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने लगा था। सस्ती लेबर और बेहतर होते इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते चीन देखते ही देखते इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मामले में 2010 तक एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। वहीं भारत करप्शन, मुश्किल आर्थिक नीति और अपनी राजनीति की वजह से स्लो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते इंडस्ट्रियल ग्रोथ की रेस में चीन से काफी पीछे रह गया, जिसका नतीजा आज चीन सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी इनोवेशन के साथ साथ ग्रोथ और डेवलपमेंट का भी एग्जाम्पल बन गया, जो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई डेवलप्ड देशों से भी काफी आगे निकल गया। तो चलिए देखते हैं और कंपेयर करते हैं कि चीन आज भारत से कितना आगे निकल चुका है और भारत कैसे चीन को टक्कर दे सकता है। तो सबसे पहले बात इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें चीन में लगभग 53 लाख किलोमीटर का रोड नेटवर्क मौजूद है। वहीं भारत में चीन से ज्यादा करीब 67 लाख किलोमीटर लंबा रोड नेटवर्क है, लेकिन चीन में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे नेटवर्क है जिसकी लेंथ 1,77,000 किलोमीटर है। वहीं इंडिया में सिर्फ 6,000 किलोमीटर का ही एक्सप्रेसवे नेटवर्क है और करीब 8,000 किलोमीटर लेंथ का एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है। रोड के बाद बात रेलवे नेटवर्क की, जहाँ चीन का रेलवे नेटवर्क लगभग 1,59,000 किलोमीटर लंबा है, जिसमें लगभग 45,000 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल नेटवर्क भी शामिल है। और चीन की सबसे तेज ट्रेन शंघाई मैंगलेव है, जिसकी गति 430 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं भारत का रेलवे नेटवर्क लगभग 67,000 किलोमीटर लंबा है, जिसमें मात्र 508 किलोमीटर लंबा नेटवर्क ही हाई स्पीड है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। वैसे फिलहाल भारत की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस है, जिसकी गति 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। रेल नेटवर्क के साथ साथ अब बात कर लेते हैं मेट्रो रेल की। तो जहां भारत में लगभग 945 किलोमीटर लंबा मेट्रो रेल नेटवर्क है, तो वहीं चीन इस मामले में भारत से 10 गुना आगे है, जिसके मेट्रो रेल नेटवर्क 10,000 किलोमीटर से भी ज्यादा है। अब बात करते हैं एयरपोर्ट की। तो क्या आप जानते हैं कि भारत में फिलहाल टोटल 137 एयरपोर्ट्स हैं, वहीं चीन में एयरपोर्ट्स की संख्या 250 के करीब है। वहीं ट्रेड के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सी पोर्ट की बात हो तो इंडिया में करीब 14 मेजर पोर्ट्स हैं, तो वहीं चीन अपने 34 मेजर पोर्ट्स के चलते दुनिया भर में अपना सामान एक्सपोर्ट करता है और 3.2 ट्रिलियन US डॉलर के साथ दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। वहीं भारत सिर्फ 778 बिलियन US डॉलर एक्सपोर्ट के साथ चीन से 5 गुना कम है। और समय के साथ चीन मैन्युफैक्चरिंग के अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी में भी काफी आगे निकल गया है, जिस वजह से आज चाइनीज ब्रांड दुनिया में कमाल कर रहे हैं। वहीं भारत रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चीन से काफी पीछे है, लेकिन अभी भी भारत के पास मौका है आने वाले कुछ सालों में चीन से बराबरी करने का, क्योंकि अब चीन की वर्किंग पॉपुलेशन महंगी और तेजी से बूढ़ी हो रही है और 2019 के बाद से कई कंपनियां चीन से बाहर जा रही हैं, जिससे भारत के लिए अवसर बढ़ रहे हैं। इसलिए भारत सरकार ने कई इंसेंटिव स्कीम्स भी शुरू किए हैं ताकि विदेशी कंपनियां भारत में निवेश कर सकें और उत्पादन कर सकें, जिसके लिए बजट में भी फॉरेन कॉर्पोरेट टैक्स रेट्स को कम किया गया है। साथ ही अगर भारत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तेजी से इंप्रूव करे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार करे, अपनी यंग पॉपुलेशन को प्रॉपर एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग दे, तो आने वाले समय में भारत चीन को टक्कर दे सकता है, क्योंकि चीन की जीडीपी अब पहले जितनी तेजी से नहीं बढ़ रही और भारत की जीडीपी का ग्रोथ रेट काफी अच्छा है। माय फ्रेंड्स, इट वाज एन इंटरेस्टिंग वीडियो विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस अबाउट द डेवलपमेंट प्रोसेस
Between India and China, actually, I know that the development in India is taking much time than China to be done, but I believe that India will reach the top, and people must concentrate on the good side of India and the beauty of India, from her mountains to her cities. And I believe also that India will be a great country, while a lot of countries are interested in wars and their economy are becoming low. So my friends, I hope that you enjoyed watching my reaction video, and if you want to see more reaction videos, you can mention your recommendations in the comments. See you in the next video. Have a nice time. Love you all. Bye.